कुतुबुद्दीन ऐबक 1191 ईस्वी और 1192 ईस्वी में क्रमशः तराइन का पहला और दूसरा युद्ध लड़ा जाता है। तराइन के पहले युद्ध में दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को परास्त करता है और मोहम्मद गौरी भाग जाता है, जबकि तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है और अपने साथ कैद कर ले जाता है। इस प्रकार दिल्ली की गद्दी अब खाली हो चुकी थी। 1206 ईस्वी, इसके बाद मोहम्मद गौरी जीत गए भारतीय प्रदेशों को अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के संरक्षण में छोड़कर वापस गैर प्रदेश लौट जाता है। इसके बाद 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गौरी की कई संतान नहीं थे। ऐसी स्थिति में मोहम्मद गौरी द्वारा भारत में जीते गए प्रदेशों पर कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन स्थापित हो जाता है और इसी के साथ 1200 ईस्वी में भारत में दिल्ली संतलन की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। ये 5 राजवंश थे, पहला गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो आइए हम बात करते हैं इस आलेख दिल्ली सल्तनत के संबंध में। इन 5 वंशों के प्रमुख शासक व इनके प्रमुख कार्यों को समझते हैं।